people, welcome to my channel and welcome to yet another interesting video in the UGC NET preparation series. I know that UGC NET exam is right around the corner and you must be worried that how you should prepare in these last days. I was going through the comment section of my channel and I found that a lot of students are asking only one question these days, and the question is, can we crack NET if we seriously prepare for NET in these upcoming 20-30 days? And the answer to this question is a big yes. Yes guys, you can crack NET if you study sincerely for the next 20 days. Given that you follow the timetable that I am going to prescribe in this video. Yes guys, watch this video till the end and also have a pen and paper ready so that you can jot down some important details that I'm going to list down in this video. I'm going to give you a very successful and authentic timetable that you can follow in order to crack NET in just 20 days. Now, there are a lot of students and a lot of people around you who must be telling you regularly that it's impossible to crack NET in 20 days. You can't crack NET in first attempt. There were a lot of people who used to say the same thing to me. But then guys, always remember, in life you're going to meet two kinds of people. एक वो लोग होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोई काम कैसे नहीं हो सकता, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है और उस काम को बेहतरीन तरीके से करते भी हैं. अब आपको चुनना है कि आप इन दोनों में से कौन से ग्रुप में फिट होना चाहते हैं. रतन टाटा ने जब नैनो बनाने का डिसीजन लिया था तो उनके साथ में जितने भी लोग मीटिंग में बैठे थे उन सब ने 2 से 3 घंटे तक रतन टाटा को ये बताया कि कैसे नैनो नहीं बन सकती. एंड 2 घंटे बाद रतन टाटा खड़े होके उस मीटिंग हॉल में सबको कहते हैं कि अब जब हमने इतना दिमाग इन्वेस्ट कर लिया है ये जानने में कि नैनो 1 लाख रुपए में कैसे नहीं बन सकती, एक ऐसी गाड़ी हम इंडिया में कैसे नहीं लॉन्च कर सकते जो एक कम बजट लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सके, तो चलिए अब नेक्स्ट 2 घंटे में हम इसी दिमाग को यूज़ करते हैं ये देखने के लिए और ये डिज़ाइन करने के लिए कि कैसे हम 1 लाख रुपए के भीतर में एक गाड़ी बना सकते हैं. सो यही डिफरेंस होता है पर्सपेक्टिव का. ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ, ये आपको देखना है. ऐसा नहीं है कि लोग 20 दिन 30 दिन पढ़ के नेट क्लियर नहीं कर सकते. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू ओवरकम योर फियर. योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर. सो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस 20 डेज की जर्नी में बढ़ने के लिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि वो क्या साइंटिफिक और मिराकुलस स्टडी टाइम टेबल है जिसे फॉलो करके आप नेट क्लियर कर सकते हैं सिर्फ 20 डेज में. बिफोर आई टेल यू दैट इम्पोर्टेंट एंड मैग्निफिशेंट टाइम टेबल, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव यू अ वार्निंग. In these 20 days, you can only succeed and qualify NET if you keep yourself away from all distractions and all public interaction. Yes guys, this is the time when you need to get into a shell, when you need to get underground. किसी को पता नहीं होना चाहिए आप कहाँ हैं. आपका फ़ोन, आपका टीवी, आपके फेवरेट टीवी शो सब पे बैन लगा दीजिए और सिर्फ अपने आप को रूम में लॉक करिए उन घंटों जब आप पढ़ रहे हैं. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इन दिनों में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे. हो सकता है आपके सामने आपका फेवरेट टीवी शो कोई चला दे, हो सकता है आपका कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड आपको फ़ोन कर दे, हो सकता है वर्ल्ड कप आपको एक्साइट करे. बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन 20 डेज में आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं. यू कैन एक्चुअली अचीव अ माइलस्टोन फॉर विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर ईयर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब चीज़ों से हटके सिर्फ अपना फोकस अपनी एनर्जी को लगाएं पढ़ाई में. नाउ ऐसा नहीं होगा कि ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे. यू विल फील एज इफ द एंटायर यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग सो दैट वो आपको पढ़ने ना दे. बट यू नीड टू एक्ट स्मार्ट. अगर आप डिस्ट्रैक्शंस जब आएंगे तब आप अपने आप से लड़ेंगे, अपने आप को कोसेंगे कि व्हाई एम आई फीलिंग दीज इमोशंस, व्हाई एम आई नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आप पाएंगे कि ये डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत टाइम वेस्ट करा रहे हैं. आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे ये शो नहीं देखना और फिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे ये शो देखते रहेंगे. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि डिस्ट्रैक्शन से फाइट मत करिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए. जब भी आप देखते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जस्ट टेल योरसेल्फ इट्स नॉर्मल, इट हैपन्स विद एवरी लिविंग ह्यूमन बींग.
एंड ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आप ही को डिस्टर्ब करते हैं, ये उन सभी सक्सेसफुल लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं जो आज दुनिया के सबसे टॉप पर बैठे हैं. बट क्या वो लोग इन डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, उन्हें पता है उनका गोल क्या है. एंड दे जस्ट टेल देयर डिस्ट्रैक्शंस दैट आई एम गोइंग टू लुक एट यू, आई एम गोइंग टू फुलफिल ऑल योर विशेज एंड डिजायर्स, बट फॉर नाउ लेट मी स्टडी. सो अपने डिजायर्स, अपने डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट करिए. दे आर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. जैसे कि आपके स्ट्रेंथ आपका पार्ट है, वैसे ही आपके सारे वीकनेसेस ही आपको बनाते हैं. सो अपने आप को होलिस्टिक रूप में प्यार करिए और अपने डिस्ट्रैक्शंस को बोलिए दैट जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू इनफ टाइम टू फोकस ऑन व्हाट यू लाइक. सो इन दिनों में जब भी डिस्ट्रैक्शन आए, जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई इज दिस एग्जाम सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अपने दीवार पे, अपने पढ़ाई की टेबल के सामने एक पोस्टर लगा दीजिए एंड जस्ट टेल योर सेल्फ दैट दिस इज द गोल आई एम वर्किंग फॉर एंड इट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर. सो सब कुछ भूल के सिर्फ फोकस करिए इन 20 डेज के एग्जाम प्रिपरेशन पे एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू विन द बैटल. Without any further delay, let's jump right into the topic and let us find out that study timetable which can help you to qualify NET this time. So, जो ये study timetable मैंने design किया है, this is a very scientific study timetable. In order to follow this timetable, you have to divide your day in 3 chunks. 10 hours, 6 hours and 8 hours. Okay? Now, 8 hours की नींद बहुत important है. I have been telling it to all my students कि 8 hours आपको सोना है. क्यों सोना है? बहुत लोग सोचते हैं कि इन 20 दिन, इन 30 दिन की प्रिपरेशन में हम शायद 2-4 घंटा सो जाएंगे एंड दैट वुड बी इनफ. नो गाइज, आई एम टेलिंग यू, 8 घंटे की नींद आपकी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप दिन भर में लेंगे इसे कंसोलिडेट करेगी. सो अगर आप नहीं सोते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी टेम्प्ररी मेमोरी में जाती है जो 2 दिन बाद फेड हो जाएगी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दिन भर जो पढ़ रहे हैं वो वेस्ट ना हो, वो आपके दिमाग में अच्छे से सिंक्रोनाइज हो. और ये तभी होगा जब आप 8 घंटे सोते हैं. अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द टर्म ऑफ REP. ओके, दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू स्लीप, जब आपके दिमाग में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप दिन भर में लेते हैं वो कंसोलिडेट होती है और सिंक होती है. सो अगर आप नहीं सोते तो आप इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस से हाथ धो बैठते हैं. सो 8 आवर्स आपको सोना ही है. उसके अलावा नेक्स्ट 6 आवर्स जो है वो आपके दिन के वो चंक्स है जब आप रोज़मर्रा के काम करेंगे, नहाना, खाना, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स अगर आपको करने हैं या रोज़मर्रा के कुछ काम, थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए टाइम देना. और बाकी के जो 10 घंटे हैं उन 10 घंटों में आपको करना है एक बहुत ही अच्छा स्टडी रूटीन फॉलो. अब ये स्टडी रूटीन क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन 10 घंटों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए. जैसे कि आपको पता है नेट के पेपर में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो 4 आवर्स आप रेगुलरली देंगे पेपर 1 को एंड 6 आवर्स आप देंगे पेपर 2 को. पेपर 1 एंड 2 दोनों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दोनों की परसेंटेज क्लब होके आपका पासिंग परसेंटेज डिटरमाइन करता है. सो इट्स नॉट दैट यू कैन नेग्लेक्ट पेपर 1 और पेपर 2, यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द पेपर्स. पेपर 1 को जब आप 4 घंटे का समय देते हैं, सो इन 4 घंटों के समय में आपको 2 घंटा रिविजन को देना है. जो भी आपने अभी तक पढ़ा है प्लीज़ उसे अच्छे से रिवाइज करिए. रिविजन का क्या पैटर्न है, कैसे करना है, ये मैं बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट अ वीडियो ऑन रिविजन. सो 2 आवर्स आपको देने हैं रिविजन पे एंड नेक्स्ट 2 आवर्स आपको देने हैं पेपर सॉल्विंग पे. पेपर सॉल्व कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स बट वो ये फोकस नहीं करते हैं कि पेपर सॉल्व करते कैसे हैं. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ पेपर सॉल्व करके उसे छोड़ दिया जाए. दैट इज़ नॉट गोइंग टू यील्ड एनी रिजल्ट. 1 घंटे में आपको टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करना है और फिर उस पेपर को किसी को भी दे दीजिए, अपने टीचर को, अपने घर में किसी मेंबर को, और बोलिए कि आप वो पेपर करेक्ट करें, उन्हें आंसर की दीजिए. आप टाइम वेस्ट मत करिए करेक्शन में, उनको दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि आपको वापस ला के दे. उस दौरान आप रिविजन कर सकते हैं और जब वो आपके पास करेक्टेड पेपर आता है इवैल्यूएट करिए उस पेपर को, देखिए कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी, कहाँ पे सिली मिस्टेक्स करी, कहाँ आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, कहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी उस क्वेश्चन का मीनिंग सही से नहीं समझा, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता था. इन सब चीज़ों को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप
पेपर के लिए बिल्कुल तैयार है. यू विल फील सो कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम बिकॉज अगर आप रोज एक पेपर भी सॉल्व करते हैं तो एग्जाम के दिन तक आप कम से कम 20 पेपर्स सॉल्व कर चुके होंगे. एंड 20 पेपर्स आर हेल लॉट ऑफ पेपर्स. यू विल डिराइव सो मच कॉन्फिडेंस. आपको पता होगा पेपर पैटर्न क्या है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं. सो 4 आवर्स जो आप पेपर वन को दे रहे हैं उसमें से 2 घंटा दीजिए रिविजन को, 2 घंटा दीजिए पेपर सॉल्विंग को, जिसमें से 1 घंटा पेपर सॉल्व करेंगे और फिर 1 घंटा उसी पेपर के एक एक रॉन्ग आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे. हर एक आंसर को स्टडी करेंगे. हर एक आंसर जो आपने गलत दिया है उसे करेक्ट आंसर क्या है ये सर्च करेंगे और आपसे ये गलती क्यों हुई इसे देखेंगे. यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है पेपर टू में. पेपर टू में आपको 4 आवर्स देने हैं रिविजन के लिए एंड 2 आवर्स देने हैं पेपर सॉल्विंग के लिए. पेपर टू का भी रोज़ एक पेपर आपको सॉल्व करना है. जब आप एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं किसी को दे दीजिए इवैल्यूएट करने के लिए और जब आपके पास वो इवैल्यूएटेड पेपर आता है सो देखिए वेयर हैव यू मेड अ मिस्टेक एंड व्हाई हैव यू मेड अ मिस्टेक. बिकॉज चांसेस आर जो गलती आप यहाँ कर रहे हैं वही गलती आप एग्जाम हॉल में करेंगे. सो इट्स बेटर कि फ्री में गलती कर लें रादर देन वो गलती करें जिसका आपको कीमत चुकाना पड़े. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लान दैट यू कैन फॉलो फॉर नेक्स्ट 20 डेज and can qualify NET very easily. So I would also like to tell you that we have designed a very very important and very very scientific crash course specifically for students who are preparing for UGC NET English Literature. So if you are one of those students then go to our website arpitakarwa.com and check out the online course that we have designed exclusively for you as per the new syllabus. Our course includes everything, audio lectures, PDFs and mock tests. It is a full preparation course. You don't need to refer to any other material except the material that we are providing you. Apart from that, don't forget to like and share this video with as many students as you can because all NET students are really worried at this hour and it's our duty to spread and share this video so much that everyone can know the right strategy to crack this exam. Also, don't forget to subscribe to this channel because next time that I'm going to post a video, you will be notified. My next video is really really amazing. It is one of the best videos we have uploaded so far on our channel and it is going to give you the right method of solving the question paper and also the right method to revise in the last few days. So don't forget to subscribe, share, like and comment if you have any other questions. So that's it for this video lecture. We'll meet soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com.